स्टेड हूँ और मैं सीआरपीएफ में हूँ और इंदौर में रहता हूँ आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है मैं देख रहा था स्क्रॉल कर रहा था इंस्टाग्राम तो मैंने देखा कि कुछ ऐसा स्टैंड अप होता है कुछ तो सिंगिंग भी मुझे आती है पर मैंने यहाँ पर जो श्रोता है वो दो लाख है बाकी सब सिंगर हैं इंदौर में जितने श्रोता हैं वो दो ही लाख मिलेंगे बाकी पग पग पे आपको सिंगर मिलेंगे तो मैंने सोचा सिंगिंग नहीं करेंगे और माइक भी अच्छा नहीं है तो मैंने फिर यहीं चेंज कर लो तो आज अभी क्या होता है जैसे आप लोग तो सब युवा हैं शादी किस किस की शादी हो गई एक ही है मेरे दो तीन जोड़ीदार हैं चलो धन्यवाद आपका बाकी सब युवा हैं तो टॉपिक तो कुछ भी नहीं है और बोलना भी नहीं आता मुझे मैं तो ऐसे स्टैंड करके कॉमेडी करने की कोशिश करूँगा एक्चुअली मैं क्या होता है लड़कियाँ जो होती हैं उनको क्या होता है कि जब उम्र बढ़ती है तो उनको उनकी जो चॉइस होती है लड़कों की वो बदल जाती है जैसे वो 20 साल की होगी तो बोला मुझे ऐसा लड़का चाहिए थोड़ा ऐसा चाहिए मेरे को मेरी केयर करें फिर थोड़ा सा वो बड़ी होती हैं तो तीस साल बाद बोलती है, मुझे कोई चार्मिंग सा मिले मुझे केयर कराए जो मेरे जो भी कुछ करे फिर बड़ी होती हैं कि बहुत मेचोर होना चाहिए फिर होती बहुत पैसे वाला होना चाहिए पर लड़कों का क्या होता देखो साहब बीस साल में उनको सुंदर लड़की चाहिए 25 में सुंदर चाहिए 30 में भी सुंदर चाहिए 40 में भी सुंदर साल 60 साल का होगा उसको सुंदर ही लड़की चाहिए उसका <laughs> कोई ऑप्शन नहीं है कि मेरे को ये चाहिए तो भाई अब शुरू होती है कहानी यहाँ से ठीक है <laughs> वो वो कैसी भी चलेगी सुंदर चाहिए उसको बस तो ऐसे सर मेरी शादी हो गई है और मैं आप सभी युवाओं को एक इस छः मिनट के प्लेटफॉर्म से एक मैसेज देना चाहता हूँ छोटा छोटा मैसेज होगा एक छोटे छोटे जोक्स है मेरे पास वही सुना देता हूँ क्योंकि इतना बड़ा स्टैंड अप कॉमेडियन तो मैं हूँ नहीं हाँ मैं देखता हूँ टीवी पे मुझे बड़ा अच्छा लगता है मेरे जो फुर्सत के पल होते हैं फौज में उसमें मैं देखता हूँ मुझे कॉमेडी अच्छी लगती है ऐसे क्या होता है सर कि शादी जनरली सबकी हो जाती है पर शादी के बाद में क्या साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं वो थोड़े से मैं आपको छोटे छोटे इस माध्यम से बताता हूँ कि शादी शुरू में बड़ी अच्छी चलती है फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाह ये वो आप अभी वो दीदी मुझे बता रही थी नम्रता मैम जो बता रही थी कि और ये भैया भी बोल रहे थे पसंद से करो या बिना पसंद से करो शादी के बाद में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि एक बार कोई मेरे से भैया मेरे घर आ गए भैया ने मेरे से बोला भैया आप शादी करके खुश हो मैंने बोला हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ तो बोले क्या करते हो बोले घर में हमें खेल खेलते हैं बोले कौन सा खेल खेलते हैं बोले मेरी बीवी है ना मेरे को बर्तन फिक फेंक के मारती है और मैं बचाता रहता हूँ तो बोले फिर आप इसमें खुश कैसे हो तो बोले बर्तन मेरे को लगा तो वो खुश और नहीं लगा तो मैं खुश <laughs> तो ऐसा ऐसा होता है तो ऐसी ऐसी लड़ाई हो जाती ऐसी ऐसी एक बार मेरा दोस्त आया मेरे पास बोले वो तेरा रात को झगड़ा हुआ था तेरी बीवी के साथ क्या अरे बोले घुटने केबल आई अपने पास मैंने क्या बात करा बोले अरे घुटने केबल आई हाँ फिर फिर बोले निकल जाओ पलंग के नीचे से अब नहीं मारूंगी मतलब ऐसे इंसिडेंट्स होंगे आपके साथ आज आप जो जितने युवा जो हंस रहे हो ना बाद में हम मेरी तरह रहोगे फिर <laughs> खैर मेरा वो मकसद नहीं है ऐसे ही होता है सर कि मैं मतलब एक बार मैं बड़ा तंग हो गया बीवी से मैंने कहा यार ये क्या है तू परेशान करो यार ऐसा थोड़ी होता है बोलो उठो जो चाय बनाओ मैंने कहा चाय बनाओ मैंने जा रहा हूँ आज नहीं चाय बाई नहीं मतलब जा रहा हूँ तलाक लेने जा रहा हूँ तलाक, तलाक लूँगा तेरे से वकील साहब के पास गया थोड़ी देर के बाद में वापस आ गया मैं तो बीवी बोली बोले बड़े तेज में गए थे कहाँ गए थे वापस आ गए एक घंटे में बोले गया था वो वकील साहब पोछा लगा रहे थे यार तो ऐसा जनरली हो जाता मतलब बड़े बड़े लोगों का हाल यही है इसीलिए आप जो भी करें सोच समझ के शादी करें सोच समझ के बीवी को लाएं और वैसे उतावले हो के गर्लफ्रेंड से मत कर लेना भैया शादी मतलब हो जाता है ना गर्लफ्रेंड से शादी कर लेते हैं फिर वो वो आपको पोछा लगवाएगी फिर आपको पोछा लगाना पड़ेगा सिंगिंग का मैं बता देता हूँ आपको सबको सिंगिंग पसंद है सबको मेरे साथ कोई गाना चाहेगा ताली बजाना चाहेगा ओके एक बार सर क्या वो पंद्रह अगस्त का त्योहार है तो ही पंद्रह अगस्त के त्यौहार पर मैंने मेरी बीवी से बोलता कि मैं तो आज़ाद हूँ और आज तो आज़ादी का महोत्सव बनाऊँगा तो ऐसे आप ताली बजाए कि खुशियाँ आज़ादी की आई रे यहीं सोच कर मैंने घर में बात चलाई रे ओ खुशियाँ आज़ादी की आई रे यही सोच कर मैंने घर में बात चलाई रे अरे मैंने बोला पत्नी से मैं तो आजाद हूँ मन में आए करूँ जैसी तो पत्नी बोली तेरी आज़ादी की ऐसी तैसी सुन ले कान खोल हर जाई रे छाँच के होते नहीं मिलेगी तुझे मलाई रे तो ऐसे हो जाता है और ऐसे में टाइम हो गया सर मेरा एक छोटा सा लास्ट 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 का ऐसी एक बार क्या हुआ सर एक एक सिंगिंग है देखो मतलब अपने इंदौर में तो क्या है कि जगह जगह सिंगर है ये भी सिंगिंग से रिलेटेड है कि एक से, बाबा सहकल जी का गाना था ठंडा ठंडा पानी वाला आप सुनिएगा लास्ट अंतिम उसमें भी ताली बजाएंगे तो अच्छा लगेगा कि ठंडा ठंडा पानी ठंडा ठंडा पानी ठंडा ठंडा -थं� पानी ठंडा ठंडा पानी मुझे यहाँ गाना है गाना करके घर भी तो जाना है घर पे मेरी बीवी मेरा इंतजार करती है मेरी बीवी मुझसे बहुत प्यार करती है मेरी बीवी ओ वेरी स्वीट 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 मैं एक बजे जाऊँगा तो भी खाना नहीं खाएगी मैं दो बजे जाऊँगा तो भी खाना नहीं खाएगी मैं तीन बजे जाऊँगा तो भी खाना नहीं खाएगी चार बजे घर पर जाके खाना बनाऊंगा तब खाएगी थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच